सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ दो वर्णमाला वर्ण विच्छेद शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना व समझना। सबसे पहले आता है वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, यानी कि जितना है उससे ज्यादा उसके टुकड़े नहीं हो सकते, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ण। जैसे अ, ई, उ, क, ख इत्यादि इत्यादि, यानी कि ऐसे ही हमारे बहुत से हैं इन जैसे, वो क्या कहलाते हैं? हमारे वर्ण कहलाते हैं। अब देखो, ये है हमारे, मैंने इनके नीचे ये जो डंडा लगाया है ये नहीं लगाया, क्यों? इनका मतलब ये अपने आप में क्या है? पूर्ण है, यानी कि ये क्या है? हमारे स्वर। क्या है ये? हमारे स्वर। और ये क्या है हमारे, जिनके नीचे मैंने हलंत लगाया, जिसको हम क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। ये क्या है? हमारे व्यंजन। ये क्या है? व्यंजन। अब बात आती है स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। अब हम वर्णों को कितने भागों में बांट दिया है? दो भागों में बांट दिया है। दो भाग कौन कौन से हो गए हमारे? सबसे पहला होता है हमारा स्वर और दूसरा क्या है? हमारा व्यंजन। दूसरा क्या बन गया? व्यंजन। अब बात आती है कि भाई स्वर क्या होते हैं। स्वर वे ध्वनियां अथवा वे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। दोबारा से हम कहेंगे कि जिन वर्णों को बोलने में या जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में हमें अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। स्वर संख्या में कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर संख्या में कितने होते हैं? 11। उच्चारण करते हैं तो हम स्वर कितने बोलते हैं? 11। लेकिन लिखते कितने हैं हम? लेखन में कितने होते हैं हमारे? 13। लेखन में कितने होंगे? 13। उसके पश्चात व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन जिन ध्वनियों को बोलने में या जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, या हम कह सकते हैं कि किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। आया बच्चा समझ में? फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमारा है वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। जैसे अ है, ई, ऊ, ए, आई, क, ख, ग, ङ, च, छ, ज, झ, ये सारे हमारे क्या हैं? वर्ण हैं। फिर आता है कि भी वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला हमारा है स्वर, दूसरा हमारा है व्यंजन। फिर आता है कि भी स्वर क्या होते हैं? जिन ध्वनियों अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और जिनका उच्चारण करने में हमें दूसरे वर्णों की अर्थात दूसरे व्यंजनों की सहायता लेनी पड़े, वो क्या कहलाते हैं? हमारे व्यंजन कहलाते हैं। इसके पश्चात वर्णमाला। अब हमें क्या करना है? वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को, व्यवस्थित हमने दो शब्द बोले हैं, व्यवस्थित दूसरा क्या है? क्रमबद्ध। क्रमबद्ध और व्यवस्थित ये क्या होते हैं? व्यवस्थित यानी कि जो एक सीरीज में लगाए जाते हैं, एक क्रम में लगाए जाते हैं, वो क्या होते हैं हमारे? जैसे अब हमने यहाँ लगा दिया ए, फिर हमने क्या किया? आ, फिर क्या लिखा हमने? ई, फिर क्या लिखा? ई। इस तरह से जब हम लिखते जाते हैं एक क्रम में, एक इकाई में, एक व्यवस्थित में, व्यवस्था बनाकर, वो क्या कहलाते हैं? हमारे वर्णमाला कहलाते हैं। उसके पश्चात यानी कि जब हमारे स्वर पूरे हो जाते हैं, उसके पश्चात हम क्या शुरू करते हैं? व्यंजन। क,
ख ग घ अंग, ये हमारे क्या हो गए व्यंजन। इसी सीरीज में हम लिखते जाते हैं। तो क्या हुआ, वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के पश्चात हम क्या करेंगे कि भी हमने किया था कि भी स्वर क्या होते हैं, स्वर हमने कर लिया है। अब आते हैं कि भी स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 कौन सा हो गया हमारा, ह्रस्व स्वर। नंबर 1 पे कौन सा है हमारा, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, ह्रस्व यानी के जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, यानी या दूसरे शब्दों में कहें कि भाई एक मात्रा का समय लगता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिनके बोलने में एक मात्रा या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो कम से कम समय लगता है, कम से कम समय लगे वो क्या कहेंगे हमारे, ह्रस्व स्वर कहेंगे। ये संख्या में कितने होते हैं, ह्रस्व स्वर संख्या में 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, अ ई उ री। इनको हम क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। यानी कि ये ऐसे स्वर हैं जिनसे अन्य स्वरों का निर्माण हुआ है। यानी कि शुरुआत में सबसे पहले हमारे पास कितने वर्ण आए थे, कितने ह्रस्व स्वर थे हमारे पास, वो उनको हम क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। इसके पश्चात हमारा दूसरा नंबर कौन सा है, दीर्घ स्वर। सबसे पहले पे कौन सा आया हमारा, ह्रस्व स्वर। दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे। या कह सकते हैं कि इसमें एक मात्रा का समय लगता है लेकिन दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 7। इनकी संख्या कितनी है, 7। कौन कौन से हैं, ई उ ए ऐ ओ औ। ये क्या है हमारे, दीर्घ स्वर। ये क्या है हमारे, दीर्घ स्वर। तीसरे नंबर पर आता है हमारा पलुत स्वर। तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा हमारा, पलुत स्वर। वो क्या होते हैं, ये कह सकते हैं कि पलुत स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से त्रिगुना समय और दीर्घ स्वर से दुगना समय लगे, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पलुत स्वर कहलाते हैं। लेकिन इनका प्रयोग केवल संस्कृत में किया जाता है या फिर किसी को पुकारने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसका चिन्ह क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ओम, तो ये क्या होता है हमारा, पलुत स्वर। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या सीखा, वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, और अब हम चलते हैं व्यंजन के ऊपर। व्यंजन क्या होते हैं, हमने सीख लिया कि भी स्वर क्या होते हैं, अब हम करते हैं व्यंजन क्या होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वो क्या कहलाते हैं हमारे, व्यंजन कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे हमारे, व्यंजन। और व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, वही 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हमारा कौन सा होता है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श यानी कि नाम से ही पता चल रहा है हमें, स्पर्श का अर्थ क्या होता है, छूना। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे उच्चारण स्थान, किसी न किसी उच्चारण स्थान को, जीवा जो है हमारे किसी न किसी उच्चारण स्थान को छूकर निकले, अर्थात जैसे हमारा कंठ है, तालु है, मुर्दा है,
इसी तरह दंत है, ओष्ठ है, इनमें से किसी न किसी अंग को छूकर निकले वो हमारे कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। वो हमारे कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनको कितने भागों में बांटा गया है? इनको पांच वर्गों में बांटा गया है। इनको कितने वर्गों में बांटा गया है? पांच वर्गों में। कौन कौन से होते हैं ये हमारे? नाम देख लेते हैं एक बार। कै वर्ग, कै से लेकर अंग तक, कैसे अंग तक। दूसरा हमारा कौन सा है? चय वर्ग। फिर तीसरा कौन सा है? टय वर्ग। चौथा कौन सा है हमारा? तय वर्ग। और पांचवा कौन सा है हमारा? पय वर्ग। कौन कौन से हो गए हमारे? पांच वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? कै वर्ग। कै वर्ग के अंतर्गत कितने हैं? क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में कौन से आ जाएंगे? च, छ, ज, झ, ये। टय वर्ग में क्या आएगा? ट, ठ, ड, ढ, ण। तय वर्ग में क्या आ जाएगा फिर? त, थ, द, ध, न। और टय वर्ग के अंदर दो और भी हमने लिए हैं, वो कौन से हैं हमारे? जिनके नीचे क्या लगा मिलता है हमें? नुक्ता लगा हुआ मिलता है। वो क्या है हमारे? ड और ढ। इनको नाम भी दिया गया है। क्या नाम दिया गया है इनको? उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या होते हैं ये? उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से हैं ये? उत्क्षिप्त व्यंजन। ड और ढ क्या है ये? उत्क्षिप्त व्यंजन। अगला है हमारा तय वर्ग। तय वर्ग के अंतर्गत कौन से आते हैं? त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, मतलब क वर्ग से लेकर म वर्ग में व्यंजन तक हमारे टोटल कितने स्पर्श व्यंजन हैं? टोटल कितने हो गए? क वर्ग के अनुसार 25 और दो हमारे ये हो गए, तो कितने हो गए टोटल? 27। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई हमारी? 27। दूसरे नंबर पे आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। दूसरे नंबर पे कौन सा आ गया हमारा? अंतस्थ व्यंजन। जिन अक्षरों के या जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को पूर्ण रूप से स्पर्श न करे, यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा नाम मात्र का स्पर्श करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? चार होती है। कौन कौन से होते हैं ये? य, र, ल, व। कितनी होती है अंतस्थ व्यंजन की संख्या? चार होती है। कौन कौन से हैं ये? य, र, ल और व। इसके पश्चात आता है हमारा उष्म व्यंजन। कौन सा आ गया हमारा? उष्म। उष्म, उष्म के नाम से ही हमें पता चल रहा है, उष्म यानी के गर्म, यानी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें गर्मी महसूस होती है, यानी के गर्म हवा लगती है। जब हम उच्चारण करते हैं तो हवा मुंह से रगड़ खाकर हवा जब बाहर निकलती है, जिसमें हल्की सी सीटी की सी आवाज आती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिनका उच्चारण करने में गर्म हवा मुख से बाहर निकलती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? उष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी कितनी होती है? चार होती है। कौन कौन से हैं? श, 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 है। इसका नाम क्या है? ये कहाँ से उच्चरित होता है हमारा? तालु से। इसलिए हमने इसको क्या बना दिया? तालव्य श। इसको क्या बना दिया? ये मूर्धा से उच्चरित होता है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? मूर्धन्य श। और ये हमारा श कौन सा है? दंत है, यानी कि इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हवा कहाँ से निकलती है? दांतों से। तो हमें श, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि सड़क वाला श या जैसे भी षटकोण वाला श, हमें क्या बोलना है? तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श। इसके पश्चात मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि भैये हमने व्यंजनों के नीचे हलंत लगाया था, ये क्या होते हैं?
इसका नाम क्या होता है? हलंत, यानी कि एक जो तिरछी रेखा होती है जो हम व्यंजनों के नीचे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये इनमें क्या, अब क्या नहीं मिला है इसके अंदर, जैसे ये क है, इसके अंदर क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है, एस स्वर मिला हुआ है, यानी कि जब हम इसको बिना इस तिरछी रेखा के अर्थात बिना हलंत के लगाते हैं तो ये पूरा क होता है और ये क्या है? स्वर रहित, और ये स्वर के साथ यानी कि स्वर सहित होता है। उसके पश्चात आता है अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भाई हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो कितने बोलते हैं? 11 बोलते हैं। स्वरों की संख्या कितनी बताते हैं? 11 बताते हैं, लेकिन हम लिखते कितने हैं? 13 लिखते हैं। वो कौन से हैं? एक होता है हमारा अंग और एक अ, यानी कि विसर्ग का उच्चारण है ध्वनि की तरह होता है अनुस्वार का अंग। अनुस्वार क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय केवल मुख से आवाज आती है, मुख से आवाज निकलती है, वो कौन से होते हैं? अनुस्वार, जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है। और दूसरा होता है हमारा अनुनासिक, वो क्या होते हैं? जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है, वो हमारे कौन से होते हैं? अनुनासिक होते हैं, जिनका चिन्ह क्या होता है? चंद्र बिंदु। ऐसे ही विसर्ग, विसर्ग का क्या होता है? पीछे दो बिंदु, इनको हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इसके पश्चात हमारा ये टॉपिक था वर्णमाला, यानी कि वर्णमाला के अंतर्गत हमने क्या क्या सीखा? वर्ण क्या होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। इसके पश्चात अब हम करने वाले हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद यानी कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि भाई वर्ण विच्छेद क्या होता है, यानी कि वर्णों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? हमारा वर्ण विच्छेद कहलाता है। किस तरह से करते हैं हम वर्ण विच्छेद, यानी कि प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना, वो हमारा क्या कहलाएगा? वर्ण विच्छेद कहलाएगा। जैसे कोई भी शब्द हम लेते हैं, जैसे सबसे पहले हमने ले लिया क्षमा। अब क्षमा क्या होता है? देखो, अब हमारे पास संयुक्त व्यंजन आते हैं, कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त यानी के जुड़े हुए, यानी के जिसके अंदर एक व्यंजन आधा होता है और एक पूरा होता है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे संयुक्त व्यंजन। अक्षय, त्रय, अगय और श्रय। इसको हम कैसे खोलते हैं? क प्लस श प्लस ए, त्रय ते प्लस रे प्लस ए, ग जे प्लस ये प्लस ए, श्र से प्लस रे प्लस ए। अब हमें ये यदि आते हैं, ये व्यंजन हमारे पास यदि आते हैं, तो हम इनको इनकी तरह खोलेंगे, यानी कि इनकी तरह इनका वर्ण विच्छेद करेंगे। अब हमने सबसे पहले लिखा अक्षमा। अक्षमा को हम कैसे खोलेंगे? जैसे हमने बताया अक्षय का क्या होता है? क प्लस श। मतलब क्या है? इसके अंदर केवल एक ही स्वर है ए, यानी कि जहां पर कोई और स्वर नहीं होता वहां पर कौन सा स्वर होता है? हमारा ए स्वर होता है। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? ए। उसके बाद है मैं प्लस, आगे क्या है हमारा? कौन सा स्वर दिखाई दे रहा हमें? आ की मात्रा हमें दिखाई दे रही है, मतलब यहाँ पर कौन सा स्वर है? आ। ऐसे ही हम कोई और उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने ले लिया विद्यालय, जहां हम क्या करते हैं? लिखना, पढ़ना, बोलना, उठना, बैठना, यानी कि विद्यालय से ही हम सब कुछ सीखते हैं। अब इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? व प्लस। अब देखो इसके अंदर ई की मात्रा हमें दिखाई दे रही है, कौन सी ई की मात्रा हमें दिखाई दे रही है? छोटी, यानी कि ई। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? ई। आगे देखो दे, नीचे हलंत दे रखा है, हलंत दे रखा है, मतलब कि इसके अंदर ए नहीं है। फिर आगे हमारा आया ये,
यह के अंदर कौन सा दिख रहा है हमें? आ की मात्रा दिख रही है, मतलब यहाँ पर आ सवर है। उसके पश्चात क्या है हमारा? ले। ले में क्या है? ए मिला हुआ है, क्योंकि ना तो हलंत है ना कोई अन्य सवर हमें वहां पर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार यह और यह में भी क्या मिला हुआ है? ए। उसके पश्चात अब हम करते हैं जिनके अंदर बिंदी लगी हुई होती है, अर्थात अनुस्वार स्वरों का वर्ण विच्छेद हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिया गंगा। अब देखो गय में क्या है? ए है, क्योंकि और कोई तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसके नीचे हलंत दिखाई दे रहा है, ग प्लस ए। अब क्या है देखो, ये कौन सा व्यंजन है हमारा? क वर्ग के अंतर्गत आता है। ये कौन से वर्ग में आता है? क वर्ग में आता है, यानी कि जहां पर अनुस्वार होता है उसके पीछे जो भी व्यंजन होता है उसी वर्ग का अंतिम व्यंजन अनुस्वार होता है। अब हम इसको क्या करेंगे? अंतिम व्यंजन कौन सा है? अंग। कौन सा है? अंग प्लस फिर से गय है, गय कर दिया हमने, उसके आगे क्या है? आ, आ कर दिया। अब हमारा क्या बन गया? ये गंगा। जैसे अब हम लेते हैं कंगन। क्या लिया हमने? कंगन क प्लस ए, फिर से आ गया हमारे पास। अब तो देखो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि गय का तो हमने अभी अभी बताया है। उसी वर्ग के पांचवे में हमने पांच वर्ग बताए थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उसी वर्ग के पांचवे में बदल जाएगा, तो ये किस में बदल जाएगा? अंग में बदल जाएगा, प्लस ग प्लस अ प्लस न प्लस ए। उसके आगे हमने लिख दिया घंटा, ग प्लस ए। आप देखो क्या है इसमें? टे, टे का टे ठे डे ढे अंतिम वर्ण कौन सा है? अंतिम कौन सा होता है टे ठे के अंदर, यानी के जिसको हम नासिक के भी कहते हैं। अंतिम प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को हम क्या कहते हैं? नासिक। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण नाक से किया जाता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? नासिक। तो टे वाले वर्ग में कौन सा आता है लास्ट में? ने। फिर हमने क्या, क्योंकि ये ऊपर है, ऊपर जो भी वर्ण होता है, जो भी कुछ भी हो, ऊपर वाला क्या होता है? हमेशा आधा होता है, और नीचे क्या होता है? हमेशा पूरा होता है। एक और करके दिखाएंगे, उससे आप समझ जाओगे। उनके बाद क्या है हमारा? टे प्लस जैसे मैंने बताया कि भाई ऊपर आधा होता है, नीचे पूरा होता है। कैसे? अब देखो श, नीचे क्या है हमारा? रे। अब हम इसको कैसे करेंगे? स आधा है, क्योंकि इसमें क्या नहीं मिला हुआ है? ए नहीं मिला है। नीचे क्या है हमारा? रे है। रे में क्या मिला है? रे में तो ए मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि श क्या है? ऊपर है। नीचे रे क्या है? नीचे है। तो ये क्या है हमारा? पूरा है। और ऊपर वाला क्या है हमारा? आधा है। आधा है मतलब उसके अंदर स्वर नहीं मिला हुआ है। श प्लस र प्लस ए प्लस मैं, मैं के बाद ई प्लस क प्लस ए। आया समझ में? उसके पश्चात जैसे हम एक ये ले लेते हैं ऊंचा। ऊंचा क्या है? ये अनुनासिक है, अनुस्वार है। ऊ प्लस च प्लस आ। लेकिन जहां पर मात्रा लगी हो, जैसे भाउरा मात्रा लगी है, फिर भी क्या है ये? इसके अंदर क्या लगा हुआ है? अनुनासिक लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर मात्रा होने के कारण हम केवल इसके अंदर क्या लगाते हैं? बिंदी लगाते हैं। इसका विच्छेद हम कैसे करेंगे? भ प्लस क्या है? औ। भ प्लस औ। अब हम यहाँ पर ही क्या कर देंगे? बिंदी लगा देंगे। र प्लस आ भाऊ। इस प्रकार बच्चों हमने क्या किया आज?
आज हमने वर्णमाला और वर्ण विच्छेद के बारे में जाना। इससे पहले हमने कौन सा लेसन किया था, कौन सा अध्याय किया था, पाठ एक कौन सा था हमारा, भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण, उसके बारे में जाना था। और आज हमने क्या किया है, वर्णमाला और वर्ण विच्छेद। तो प्यारे बच्चों, घर पर रहकर सुरक्षित रहें और इनका उच्चारण